नमस्कार। ये एक बहुत आम सी बात है कि जब हमारे घर में कोई चीज़ पुरानी शुरानी हो जाती है ना, तो हम उसको कंडम कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं, ये सोचकर कि इसका तो कोई इस्तेमाल नहीं। आज मेरे इस वीडियो में आप एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं जो यंग हैं, इंजीनियर हैं, इनोवेटिव हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने वेस्ट प्रोडक्ट से फर्नीचर तैयार किया है। और इनका ये फर्नीचर आज पूरे हिंदुस्तान में होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, घरों में, लॉन्स में सुशोभित है। तो मिलते हैं इस यंग इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर से। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे मधुसागर चैनल पर। नमस्ते मधु जी, मेरा नाम प्रदीप जाधव है और मैं फाउंडर हूँ जाइगेंटिक्स डेकोर कंपनी का। मुझे आज आपसे मेरी स्टोरी शेयर करने में बहुत खुशी हो रही है और आपने जिस तरीके से हमें मौका दिया है उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। प्रदीप, आप तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल से फर्नीचर बनाते हैं, तो बताइए ये आइडिया आपको आया कहाँ से? एक्चुअली मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो मैं इसके पहले कुछ एमएनसीज में काम करता था और उस टाइम पे मैं हमेशा सोचता था कि कुछ नया बिजनेस करूँ। तो ये जो बिजनेस मैं खोज रहा था कि वो सबसे अलग हो, ये मेरा पहला कंसर्न था। और दूसरा था कि मैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे मदर अर्थ को कुछ हेल्प हो, ऐसा बिजनेस करना चाहता था। तो इसी के सर्चिंग में मैं एक दिन बैठा था तो मुझे नेट से कुछ डाटा मिला। जो अफ्रीकन बंदे थे वो वेस्ट टायर से फर्नीचर बनाते थे, तो मैंने सोचा कि इसको इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाए ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो कि ये टाइप का भी फर्नीचर बनता है। वाह, दिस इज़ वेरी नाइस कि आपने जो है इसको यूट्यूब में खोजा। कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट से जो है फर्नीचर बनाते हैं? हम अभी इंडस्ट्रियल बैरल जो रहते हैं उनसे फर्नीचर बनाते हैं। ओल्ड टायर्स, पुरानी बाइसिकल्स रहती है, गैरेज वेस्ट आता है, ऑटोमोबाइल्स के कुछ स्कूटर्स, कुछ ट्रैक्टर्स या उनके पार्ट्स, उनसे हम फर्नीचर बनाते हैं। तो जब ये फर्नीचर बनता है, क्योंकि आपकी तो मैकेनिकल इंजीनियर 2017 के आप पढ़े हुए हैं और बहुत ही रिसेंट आपने इंजीनियरिंग की है, तो आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से यहाँ पे मदद मिली होगी? हाँ जरूर, मैं मैकेनिकल फील्ड से हूँ तो मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ, ताकि मैं कुछ सारी चीज़ें टेक्निकल जान सकता था, कुछ मशीनरीज के बारे में मैं जान सकता था। और पीछे जो भी कंपनीज में मैंने काम किया वहाँ से भी मुझे एक्सपीरियंस मिला, तो मैं वो एक्सपीरियंस को लेके काम स्टार्ट कर सका। जहाँ के मैं पिछली कंपनी में जहाँ पे था तो वहाँ पे मैं कुछ वेल्डिंग का काम सीखा, उसके पहले मैंने कुछ कटिंग का काम सीखा, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि ये कुछ भी मैं कर सकता हूँ। वाह, दैट्स वेरी नाइस। प्रदीप, आइडिया तो आया, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, तो क्या ये आसान था करना? नहीं मैम, कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में आसान नहीं होती है। जब मैंने ये सारी चीज़ें मेरे ब्रदर को, मेरे फैमिली को या मेरे पार्टनर्स को जब बताया तो बहुत लोग ऐसे शॉकिंग थे कि कोई भी बोलता था कि भाई पुराने टायर्स या पुराने कोई चीज़ से कोई नया फर्नीचर बनाए और उसे बेचे, ये भी कोई धंधा है? और इसके लिए तुम जॉब छोड़ना चाहते हो, ये हमें नहीं पसंद, तुम नहीं कर सकते ये काम। तो मैंने बोला उनसे कि ऐसा कुछ कंपनीज है जो ये सारी काम करती है जो फॉरेन में है, पर हम लोग नहीं कर पा रहे अभी तक, तो मुझे तो करना है, आप कुछ भी बोलो। तो बहुत सारे रीजंस आए, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आई स्टार्टिंग से, मतलब रॉ मटेरियल जो सोर्स करना है उसी से स्टार्टिंग हुआ, जो शेड है जहाँ पे वर्क प्लेस है हमारा उसको खोजने का काम, मशीनरीज कलेक्ट करने का, मैन पावर को ट्रेन करने का, ये सारी डिफ़िकल्टीज थी जो हमने तो धीरे 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 करके सबको ओवरकम किया। प्रदीप, आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और ये तो है फ्यूचर का बिजनेस, तो फ्यूचर में इस बिजनेस का कितना स्कोप है? एक्चुअली ये बिजनेस का हम निश क्रिएट कर रहे हैं लोगों में कि ये सारी चीज़ें लोग खरीदे, इसको एक नया एक्सपीरियंस क्रिएट करे अपने यहाँ पे। ओके, तो ये बिजनेस का स्कोप बहुत बड़ा है। मैं तो चाहूँगा कि मेरे जैसे कुछ एंटरप्रेनर, कुछ नए यूथ ये बिजनेस में आए, इस बिजनेस को नए चांद तक लेके जाए। मुझे भी लगता है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि अभी जो है
एनवायरनमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो पेड़ वगैरह काटने से तो अच्छा है कि हम अपने घर के ही चीज़ों को जो है रिसाइकल करें, रीयूज करें, राइट राइट तो उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। राइट तो इस बिजनेस में हम और क्या क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे अभी तो आप जो हैं गार्डन का फर्नीचर, होटल का बना रहे हैं, हाँ, और क्या क्या इससे किया जा सकता है? बहुत सारे चीज़ें हैं मैम। यूज़ के हिसाब से हम इसे घरों में यूज़ कर सकते, पब्लिक गार्डन्स में यूज़ कर सकते, कैफेज, होटल, रेस्टोरेंट्स, बार, फार्मोसेस, यहाँ पर तो लोग यूज़ कर ही रहे ऑलरेडी, पर और ज़्यादा लोगों तक तो पहुँचने की हमें ज़रूरत है, राइट। तो और अगर मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम सोचते हैं तो हर कोई चीज़ जो पड़ी हुई है उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। प्रदीप, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप क्या सोचते हैं क्यों और जरूरी है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है मैम, क्योंकि बढ़ती हुई जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि नया फर्नीचर बनाने के लिए हम बहुत सारा ट्री वेस्ट जो है ट्रीज़ को काटते हैं, बहुत सारा जो नया फोम यूज़ होता है उसके लिए कुछ केमिकल्स लगते हैं, बहुत सारा मेटल जो है वो लगता है, वो नया फर्नीचर बनाने के लिए बहुत सारी नई चीज़ें लगती है, उसमें रिसोर्सेज और मैन पावर बहुत वेस्ट होता है। तो बहुत इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमें सस्टेनेबल लिविंग की तरफ जाना चाहिए, ताकि हम कम से कम दाम में अच्छा सा जो हमारा डेली यूज़ का फर्नीचर है वो परचेस कर सके, डेली यूज़ की जो कुछ चीज़ें हैं वो खरीद के हम लॉन्ग टर्म के लिए उसे यूज़ कर सके, ताकि हम एनवायरनमेंट को बचाएं, मदर अर्थ को सेव करने के लिए हमारे पास एक मौका हो, और हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऐसे हम भी सोचते हैं। प्रदीप, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है जिसके लिए आप जिससे आप फर्नीचर बनाते यस हैं, ये आप प्रोक्योर कहाँ से करते हैं? एक्चुअली ये सारा जो प्रोक्योरमेंट करते हैं हम वो कबाड़ी वाले जो है कुछ उनसे टाइप करके रखा है हमने, वो हमें ला के देते हैं, और कुछ गैरेज वाले हैं उनसे टाइप करके रखा है, वो हमें कंटिन्यू टायर्स का वेस्ट देते हैं, और इंडस्ट्री में कुछ कंपनियाज हैं उनसे हमने टाइप करके रखा है कि वो उनका वेस्ट जो इंडस्ट्रियल ड्रम है वो हमें देते हैं। तो इस हिसाब से हम गवर्नमेंट से भी टाइप करना चाहते हैं कि ताकि उनका वेस्ट वो हमें दे और हम उसे उससे अच्छा वाला फर्नीचर बना के उनके नए वाले प्रोजेक्ट्स में उनको दे फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट्स वेरी नाइस। तो अगर जैसे कस्टमर्स के पास भी अगर कोई डायरेक्टली, जैसे आप तो कबाड़ी के पास से लेते हैं, लेकिन अगर किसी कस्टमर के घर में कुछ राइट इस तरह के फर्नीचर हो या टायर्स वगैरह हो या और चीज़ें हो, तो उसको भी आप ले सकते हैं डायरेक्टली? राइट मैम, हमारे सोशल मीडिया पे पेजेस है मैम, जाइगेंटिक्स डेकोर नाम से हमारा फेसबुक ओके पेज है, वैसे ही इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल है हमारा, वहाँ पे जाके सारे लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा नंबर हम आपके शेयर करेंगे, तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे मैम, जो प्रदीप, भी आप आपको किस चाहिए। किस तरह का फर्नीचर जो है आप बनाते हैं इन वेस्ट प्रोडक्ट से, और कस्टमर्स कैसे आपके साथ जुड़ सकता है? हम बैरल से सोफा बनाते हैं, चेयर्स बनाते हैं, कुछ डेस्क बनाते हैं, जो कि हम गार्डन्स में, रेस्टोरेंट्स, कैफेज में यूज़ कर सकते हैं, राइट। और टायर से कुछ सीटिंग्स है उसको हम हमारे बालकनी में यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल वेस्ट में से हम शेल्फ बनाते हैं, बैरल में भी हम बहुत सारी चीज़ बनाते हैं, मतलब बुक शेल्फ हो गया, वाइन स्टोरेज हो गया, कुछ स्टोरेज का चेयर्स हो गया, तो बाइसिकल्स है उनके डेकोरेटिव पीस बनते हैं, बाइसिकल रिम के लाइट्स बनते हैं, टायर के लाइट्स बनते हैं हमारे यहाँ पे, और भी कुछ वॉल हैंगिंग आइटम्स है, मतलब वॉल डेकोर के लिए कुछ जो आइटम्स है वो यूज़ किया जाता है, ऐसा पीवीसी पाइप के व्हाट लाइट्स अ हम वाइड बनाते रेंज हैं। यू हैव। तो कैसे कैसे कस्टमर जो है उसको खरीद सकता है? एक्चुअली हम सोशल मीडिया पे प्रेजेंस करते हैं, वहाँ पे लोग जाके हमारे पेज पे एक्सप्लोर करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे जगह पे हमारा प्रेजेंस है, तो लोग वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करते हैं और हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूरी डिटेल्स लेते हैं जो भी उनको चाहिए, और फिर उनको हम पूरी जानकारी देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करते हैं, तब जाके वो ख़रीदने के लिए रेडी होते हैं और ख़रीदते भी हैं तो लोग। आप डिलीवरी कैसे करते हैं? हमारा कुछ कंपनीज के साथ में टाइप है जो ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं, तो उनके हेल्प से ही हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारा प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं,
विथ इंश्योरेंस. वाह, दिस इज वेरी नाइस. तो आपके यस क्या सारे डिटेल्स जो हैं मैं अपने इस वीडियो में दे सकती हूँ अपने चैनल में? जरूर जरूर मैम. कस्टमर्स जो है बहुत डिलाइटेड होंगे. एक मार्केट में बिल्कुल एक नई चीज़ आई है, एक वेस्ट प्रोडक्ट से जो है फर्नीचर, और सस्टेनेबल है, ड्यूरेबल है और रीजनेबल भी है. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये बताइए आगे कोई आपका फ्यूचर का प्लान है? हमारा कोर पर्पज़ है मैम टू ब्रिंग मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइव्स ऑफ पीपल, राइट, बाय मेकिंग सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, राइट. सो हम लोगों के लाइफ में मीनिंगफुल एक्सपीरियंस लाना चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, राइट. और हम ये कंपनी को अगले 2040 तक 15,000 शेयर का कंपनी बनाना है हमें, जो कि पूरा पूरा कंपनी जो है एंटीक इंडस्ट्री में लीड करेगा. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इट्स वेरी एम्बिशियस प्लान जो है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि ये एक बिल्कुल नई चीज़ मार्केट में आई है और ये एक नई सोच के साथ आई है और एक बहुत अच्छे मीनिंगफुल सोच के साथ आई है. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू.